हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हम आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि दो स्विच, एक 5-पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर है और एक होल्डर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। देखिए तो फ्रेंड्स, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इलेक्ट्रिक संबंधित सभी प्रकार के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बोर्ड को घुमा लिया हूँ और मैं केबल भी ले लिया हूँ। मेरे पास एक ही कलर का केबल है। तो सबसे पहले मैं स्विच के नीचे वाले टर्मिनल के दोनों टर्मिनल को लूप करूँगा, दोनों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल को इस केबल की मदद से। इस प्रकार से मैं लूप करूँगा केबल को, अच्छी तरह से कवर से बाहर करके उसको हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर लगा करके स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं कस लिया हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स, हम सीधा चलेंगे मेरा इंडिकेटर और 5-पिन सॉकेट और होल्डर का कनेक्शन के लिए। तो मैं सबसे पहले मैं एक और केबल लूँगा, जिस केबल को मैं होल्डर के किसी एक टर्मिनल पे, तो मैं नीचे वाले टर्मिनल पे लगाया हूँ। उस टर्मिनल पे उस केबल को अच्छी तरह से कसने के बाद हम उसको लेकर के चले जाएंगे 5-पिन सॉकेट के किसी एक टर्मिनल पे। हमको न्यूट्रल फेस नहीं देखना है, हमको इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं करना है कि न्यूट्रल और फेस का सही रहना ज़रूरी है। तो मैं 5-पिन के फर्स्ट वाले टर्मिनल पे, यानी कि एल वाले टर्मिनल पे, यहाँ मेरा न्यूट्रल का केबल लगना चाहिए तो मैं फेस का केबल लगना चाहिए तो मैं यहाँ न्यूट्रल का केबल लगा ले रहा हूँ। उसके बाद हम एक और केबल लेंगे। उस केबल को लेने से पहले जो इंडिकेटर का मेरा फेस टर्मिनल है, इस वाले केबल को हम अच्छी तरह से फेस टर्मिनल पे कस ले रहा हूँ। उसके बाद एक और केबल लेकर के 5-पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे मैं उस केबल को अच्छी तरह से कस के उस केबल को हम सीधा लेकर के चले जाएंगे उसके बगल में जो स्विच है, उस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल पे। इस टर्मिनल में अच्छी तरह से इस केबल को कसेंगे, ठीक उसी प्रकार से जो मेरा दूसरा स्विच और एक होल्डर है, ठीक उसी प्रकार से कनेक्शन करेंगे। तो उसके लिए मैं एक केबल इस प्रकार से मैं छील करके कवर से बाहर करके उसको हम इस प्रकार से कस ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा बोर्ड का वायरिंग बिल्कुल फाइनल हो चुका है और मैं इस बोर्ड में एक स्विच से एक मेरा होल्डर और दूसरा वाला स्विच से 5-पिन सॉकेट का कनेक्शन किया हूँ। मेरा इंडिकेटर डायरेक्ट है। देखिए, मेरा बोर्ड का वायरिंग बिल्कुल फाइनल हो चुका है और इस बोर्ड में हमको न्यूट्रल और फेस वायर को बाहर निकालना है। तो ये मेरा फेस टर्मिनल है, स्विच के नीचे वाले टर्मिनल से जो वायर जोड़ते हैं, जो लूप वायर रहता है, वो फेस टर्मिनल हो जाता है और 5-पिन सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे यहाँ पे एन लिखा होता है। तो हम इसमें एन के जगह पर एल और एल के जगह पे एन का कनेक्शन किए हैं। तो ये मेरा एन न्यूट्रल टर्मिनल है। यहाँ पे अच्छी तरह से मैं केबल को कनेक्शन कर ले रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा बोर्ड का वायरिंग बिल्कुल फाइनल हो गया। तो वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि इलेक्ट्रिक संबंधित सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक